एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। एक भाई जिसका नाम सुभाष चंद्र है और ये हम इसकी वीडियो टेस्टिमनी को सुनेंगे। ये 10 साल से इसको सोरायसिस नामक चमड़ी का बीमारी थी और ये ऐसी भयानक बीमारी है जिस व्यक्ति की स्किन में होती है, दरारें पड़ती हैं, गल जाती है। और वो शायद हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां लोगों की स्किन गल जाती है और उन्हें कपड़े नहीं डालने होते और पूरी गली हुई स्किन के साथ वो अपनी जिंदगी को बिताते हैं। ये भाई जब चर्च में आया उसकी कंडीशन हम देखेंगे वीडियो टेस्टिमनी में कि जब ये चर्च में आया तो कैसे आया चर्च में। अगर आप देखेंगे इसकी पूरी स्किन जो है वो गली हुई है और इसकी जो बहू है वो रोज 100 से 150 ग्राम मांस इनकी स्किन से निकलता था जिसको वो रोज झाड़ू से इकट्ठा करती थी। और इस तरह से ये इमरजेंसी सेक्शन में आया था। ये उस दिन की वीडियो है। ये वो मांस है जब सुबह ये उठता था तो इसकी स्किन से निकलकर इसके ये घर का फर्श है जहां से उसको इकट्ठा करना पड़ता था झाड़ू से। और इमेजिन करो कितनी स्मेल उस रूम में होगी। ये उन्हीं का रूम है। ये इसी की स्किन है, हर रोज उतरती थी जो। और पीजीआई चंडीगढ़ जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहां जब स्किन में कीड़े पड़ने शुरू हो गए तो उन्होंने कहा था कि 2 महीने एडमिट रहना पड़ेगा और 10 से 15 दिन इनको लाइफ दिया था कि अब ये जिस कंडीशन में इनकी जिंदगी पहुंच गई है 15 दिन से ज्यादा ये नहीं जी पाएंगे। और 2 महीने वहां पर ये एडमिट भी रहे। और इनकी स्किन की लेयर को खोलकर इनकी डीप स्टडी की गई डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन फिर भी कोई भी इलाज नहीं हुआ। फिर इनको जवाब मिल गया और पीजीआई डॉक्टर्स ने बोला आप जाओ ये बीमारी इनकी सेवा कर लो। बाथरूम टॉयलेट सब उसके बाद बेड पे आ गया। इनका बेटा इनको संभालता था। अगर इनकी वीडियो हम देखें तो इनके पीठ के पीछे एक जब इनको नहलाते थे तो जिस टाइम इनके स्किन पर पानी टच होता था इनकी स्किन काली हो जाती थी। इनकी पीठ पर बड़े बड़े जख्म हो चुके हैं लेट लेट कर। बिना कपड़े ये सारा दिन तड़फते रहते थे। गंदी स्मेल आती थी। रिश्तेदार लोग कोई पास नहीं बैठते थे। घर के रिश्तेदार सब हालचाल पूछने ही आते थे और वापस बाहर से मुड़ते थे। इनको उम्मीद नहीं थी ये बच पाएंगे कि नहीं। और डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि इनको सेपरेट अलग कमरे में रखो, बच्चे उनके करीब ना जाएं, नहीं तो बीमारी की फैल कर किसी और को अगर हो गई तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। 5 से 6 डॉक्टर्स, लाखों रुपया इनके इलाज में लगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हालत इतनी खराब, सिर मुंह के अंदर जख्म हो गए, स्किन गलनी शुरू हो गई, कीड़े पड़ गए। और जब बिल्कुल दुखी हो गए, इनका बेटा इनको खामरा चर्च में लेकर गाड़ी में लिटाकर स्ट्रेचर पर लेकर चर्च में आया जिसकी वीडियो अभी आपने देख ली। 12 जून 2022 के दिन जब डिलीवरेंस मीटिंग थी तो वो ऑयल मीटिंग थी, उस प्रेयर को हम देखते हैं। उठाओ अपने ऑयल को, उस ऑयल को अपने माथे से लगाओ, बोलो आज परमेश्वर का अभिषेक मेरे सिर पे आ रहा है। अनॉइंट करो अपने बॉडी को, अपने बीमार शरीरों को मसा करो, उस ऑयल को निकालो और लगाओ। इमरजेंसी सेक्शन में ऑयल लगाओ बीमारों के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर, व्हील चेयर के रोगियों को, हर सीरियस पेशेंट को। आज आप उसकी अनॉइंटिंग को रिसीव करके, उसके अभिषेक को ग्रहण करके, शैतान के बंधनों से छूट के आज आप वापिस जाएंगे। आमीन। चाहिए बरकत आपकी चर्च। जब इन पे प्रार्थना हुई तो इन्होंने अपने टेस्टिमनी में लिखा है
कि सेम टाइम इनको गर्माहट महसूस हुई, एग्जैक्टली सेम टाइम। जिस दिन प्रार्थना हुई, सेम टाइम गर्माहट फील होने के बाद, दो दिन के बाद इनकी स्किन का कलर और इनकी स्किन की कंडीशन चेंज होनी शुरू हो गई। और आज ये आदमी हमारे साथ है। शक्ल भी दिखाए लड़के, बोलो पापा जी ला दियो जरा, कोई गल नहीं, पीछे भी जरा दिखा दिए इन्हों, आप बैठे तो दिखा दिए, बहुत बढ़िया, तुम तो जवान हले तुम। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि आज मॉर्निंग, कल मुझसे कहा कि आज अभी ये लगातार परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि 7 हफ्ते डिलीवरेंस के करने हैं। हर वीक मैं आपको ऑयल दूंगा और खुद मैं यहीं पे मौजूद होऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, डेविल के कानों से धुआं निकलेगा और भागेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी लाइफ की डिलीवरेंस इन हफ्तों में होगी और आप टेस्टिमनीज के साथ वापिस आए। परमेश्वर छूता है वो ऐसे छूता है। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बढ़ सकूं हूं बहू तेरे जैसे। अभिषेक
साथ वापस आ रहे हैं राइट नाउ।